लोक आयुक्त कार्यवाही, टाइगर रिजर्व ऑफिस में लोक आयुक्त का छापा, बड़े बाबू सहित दो गिरफ्तार। सागर लोक आयुक्त ने की कार्यवाही, रुकी हुई वेतन और मेडिकल भत्ता निकलवाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। पन्ना टाइगर रिजर्व कार्यालय में मचा हड़कंप। सरकार की तमाम कार्यवाहियों के बावजूद रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ऑफिस में एक वन रक्षक से रुकी हुई वेतन निकालने और मेडिकल भत्ते का भुगतान करने की एवज में फील्ड डायरेक्टर के बड़े बाबू और छोटे बाबू को रंगे हाथों 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पदस्थ वन रक्षक ब्रह्म प्रकाश सिंह से रुकी हुई वेतन और भत्ते के भुगतान में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए टाइगर रिजर्व के मुख्य लिपिक आलोक खरे और सहायक लिपिक इमामुल हक कुरैशी को लोक आयुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जैसे ही कार्यवाही हुई, ऑफिस में हड़कंप मच गया और जब हाथ और पेंट धुलाई गए तो दोनों ही बाबू उसमें रंग गए। पीड़ित का कहना है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा था और बाबू रिश्वत के लिए परेशान कर रहे थे। इस कारण से उसने सागर लोक आयुक्त में शिकायत की। वहीं पकड़े गए बड़े बाबू का कहना है कि मेरी फाइल के नीचे पैसे दबा कर रख दिए थे, मैंने किसी रिश्वत की मांग नहीं की। वहीं सागर लोकायुक्त के DSP का कहना है कि शिकायत के बाद तस्दीक की गई और आज कार्यवाही की गई। हम बाहर जा रहे थे, इतने भी लोग आए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बोले कि आप चलो कमरे में। कमरे आए तो यहाँ पर किसी ने आके पैसे इसमें रखे थे हमारे फाइल के नीचे। मैं यहाँ कमरे में था नहीं, कैमरा भी लगा हुआ है, ना मैंने पैसे लिए हैं ना मेरे हाथ रंगे हैं। पता नहीं अब क्या समझ नहीं आ रहा मेरे खुद ही, मैंने पैसे नहीं लिए ना मेरी कोई बात वो हो गया। कब उन्हें हमारी फाइल के नीचे दबे लोग मिले हैं, मेरे हाथ भी धुलाए गए, मेरे हाथ भी नहीं लगे हैं, ना मैंने पैसे लिए भी नहीं थे। मैंने 5,000 की रिश्वत ले रहे? नहीं नहीं, मैं नहीं ले रहा था, झूठा। आलोक खरे, हमारे इंक्रीमेंट शुरू से ही नहीं लग रहे एक भी, और सबके लग गए जहाँ तक है। और तो हमने इनसे बोला कि क्यों नहीं लग रहा, तो उन्होंने कि वहाँ ट्रेजरी में पैसे लगते हैं, यहाँ लगते हैं, वहाँ लगते हैं, तो हमने के बाद में दे देंगे, नहीं कि बाद में नहीं, वहाँ पहले ही लगते हैं। किसने तो मांगे? इनने भी मांगे, कुरैशी जब जी ने और उन्होंने आलोक जी ने। तो फिर हमने कहा तो ठीक है, फिर दे देते हैं अभी हैं। और फिर हमने कहा मेडिकल भी है हमारे, तीन चार महीने पहले दिया था मेडिकल, उसका भी हमने आवेदन, तो उसके ये रोल रखे रहे थे क्योंकि इनने पहले हमने दिए थे 500 रुपये। तो ये कह रहे बड़े बाबू होके केवल 500 में इज्जत नहीं रहे क्या? तो फिर हमने कहा यार बड़े बाबू हमारी तो सैलरी 18-19 हज़ार ही है, हम कहाँ से दे दें ज़्यादा। तो फिर हमने फिर और दिए थे उनको, फिर अभी इनने कहा था कि 4-5 हज़ार में हो जाएगा, तो 1,000 उन्होंने कहा था 1,000 मुझे चाहिए ट्रेजरी के लिए और 4,000 रुपये यहाँ दे दो तुम्हारे। तो हमने उनको बता दिया, तो उनने कहा ठीक है, तो फिर आए। और आज कैसे कितनी रिश्वत लेते पकड़े गए? 5,000, 4 एक उनको उन्होंने लिए और 4 इनने लिए। इनने बोला एक किसने लिए? एक कुरैशी जी ने, और 4 इनने बोला कि हमारी टेबल पर रख दो, और ऐसे चले गए। तो हमने टेबल पर क्या चाहे तो क्या कार्रवाई? कार्रवाई भ्रष्टाचारी हर जगह से मिट जाए यार, हम तो बिल्कुल परेशान, मिडिल क्लास आदमी बिल्कुल परेशान है, इसलिए हम तो बिल्कुल परेशान हो चुके। क्या नाम है? ब्रह्म प्रकाश सिंह। आवेदक ब्रह्म प्रकाश सिंह वन रक्षक अमान नई द्वारा एक शिकायत की गई थी 18 तारीख को, ये टाइगर रिजर्व ऑफिस में मुख्य लिपिक आलोक खरे एवं कुरैशी बाबू साहेब ग्रेड 2 द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। उसके रुके वेतन और वेतन वृद्धि लगाने के एवज में 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसको हमने तस्दीक किया, सही पाया, और आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की है। और आज हमने मुख्य लिपिक आलोक खरे और ईमान उल हक कुरैशी साहेब ग्रेड 2 को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ाया। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसा कि आलोक खरे अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं? नहीं, निर्दोष नहीं, वो जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास उनके खिलाफ सबूत है, हमने तस्दीक किया है, उन्होंने मांग की है। उनका कहना है मेरे हाथ नहीं रंगे वो, हाँ ये बात सही है, लेकिन उन्होंने मांग तो की है। और थैंक यू।